तुम्हारे भैया बनते तो ऐसे जैसे आटे की नहीं संस्कार की रोटी खाते हो, और वैसे फुल ऑन नशा पत्ता ड्रग्स। मैंने खुद लेते हुए देखा है ने अभी पिल। क्या? There is a pill, there is a way. कैसी पिल? मेरा पिल भी कितना पागल है। कैसी पिल? अरे मुझे क्या पता, मैंने तो सिर्फ खाते हुए देखा था। नो वे, भाई ने सिर्फ ठंडाई पी थी। ठंडाई तो हम सबने पी थी ना, किसी को कुछ नहीं हुआ। जो भी है मैं मिर्ची लेकर आता हूँ, मिर्ची खाने से ना नशा उतर जाता है, तो प्लीज भाई का ख्याल रखना। हाँ मैं लेकर आ जाती हूँ। वेट, लड़का गिर जाता है, फैमिली गिर जाती है, घर गिर जाता है, अगर लड़की गलत हो तो। मुझे तो लगता है अभी भी देर नहीं हुई, बाबा जी को बुलाते हैं और दोनों लड़कियों से मिलवाते हैं। दोनों लड़कों से क्यों नहीं, इसी लड़के में भी तो खोट हो सकता है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा राज, किसी में भी हो सकता है, पर इश्की में नहीं। अगर हम बाबा जी को बुलाएं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? वो एक सेकंड में पकड़ लेंगे कि लड़की गलत है या सही। मॉम प्लीज, नो नीड फॉर हिम टू सी सोनू। व्हाई नॉट, आएंगे तो दोनों से मिल लेंगे ना, वैसे भी ये शादी वन पे वन फ्री है। सोनू की शादी में इश्की की विदाई फ्री, और बाबा जी और इश्की की मीटिंग में सोनू की मीटिंग फ्री। बुला लो जी, साड़ी सोनू तो हीरा है जी, हीरा। हाँ सरला जी, बुला लीजिए, हमारी इश्की भी प्योर गोल्ड है। तुम बहुत मीन हो, यू मेक मी सैड। इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी बैठना नहीं आता, मैं बताता हूँ। चलो आ जाओ इधर, ये ऐसे। ऐसे बैठते हैं, यू नो ये सब मैंने प्लान किया तुम्हारे लिए। चाचू तो गेंदे का फूल ला रहे थे, बट आई गॉट कार्नेशंस, यू नो कार्नेशन, वो अमेरिका वाले कार्नेशन सिस्टर। यू नो नथिंग इश्की, कार्नेशन इज अ फ्ला। ओ हाँ, 40 रुपए पर पीस वाला आपने बोला गए, इतना वेस्टेड। शट अप एंड लिसन टू मी, तुम्हें लगता है कि मैं कोल्ड हार्टेड हूँ? एक सेकेंड। आदो, आदो। ये देखो, इस कोल हार्टेड एवीएम नाम तीन बंदा मीन ने इस रिंग को अपने ऐसे दिल से लगा के रखा है। पूछो वाई वाई, ताकि ये खो ना जाए, खो जाती तो तुम्हें डांट पड़ती ना। और तुमने क्या कहा कि मैं तुम्हारा कौन हूं? अब हो कौन मेरे? मैं कौन हूं तुम्हारा? इस नाम की कोई फिल्म भी थी ना, मैं तुम्हारा कौन हूं? नहीं, तुम मेरे कौन हो? नहीं नहीं नहीं, एवीएम क्या पिया है आपने? ठंडाई, वही ठंडाई जो तुम भी पी रही थी, और ऐसे सबको चेस करी थी ना, चेस चेस चेस, लेकिन मुझे चेस नहीं किया। क्यों? और क्या बोला था तुमने, मैं तुम्हारा कौन? कार्तिक ने बिल्कुल सही कहा था, आप हाय हैं। हाय नहीं, इश्क है।
तुम्हें पता है, I don't like होली, I just don't like it. और कलश तो बिल्कुल पसंद नहीं मुझे, फिर भी मैंने ये सब प्लान किया सिर्फ तुम्हारे लिए. कम यहाँ, इधर आओ, इधर आओ, इधर 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 आओ. ये देखो, सी आई एम टचिंग इट. जैसे मैंने इस रिंग को प्रोटेक्ट किया है ना, वैसे ही मैं तुम्हें हमेशा सेफ रखना चाहता हूँ. जानती हो इस रिंग की सबसे सेफ जगह कौन सी है? चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे गौर. ये आप क्या कर रहे हैं? ये दर्द फिर से कहोगे कि मैं तुम्हारा कौन? मेरी बात सुनिए. मैं चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा लेट मी टेल यू, तुम कौन? बैठो, मैंने एक लिस्ट बनाई है, तीन चीजों की लिस्ट, जिससे ये पता चले कि कौन सी लड़की आपके लिए सही है. नहीं, जिससे ये पता चले कौन सी लड़की मेरे लिए सही नहीं है. जिस दिन तुमने वो अपनी एंगेजमेंट में गड़बड़ की थी ना, उसी दिन तुमने मेरे लिस्ट के सारे पॉइंट्स को टिक कर दिया था. टिक टिक टिक. जूलन ने जिस दिन मुझे रिंग के सैंपल दिए थे, तब से रिंग मेरे पास. मैं तो तुमसे गुस्से में था, बहुत गुस्से में था, फिर भी पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों बचाया. क्यों बता दूं? जी. पता नहीं, पर ये पता है कि मैं तुमसे गुस्से में क्यों था. तुम्हारे लिए तुम्हारी एंगेजमेंट से इम्पोर्टेंट तुम्हारी जॉब थी, फिर पता नहीं मैंने तुम्हें बचाया क्यों. मैं तो गुस्से में था कि तुम अपनी मौसी के साथ थी, बहुत अपसेट थी, रो रही थी. आपने देख लिया था? हाँ, लेकिन मैंने ये सब तुम पे तरस खा के नहीं किया. फिर क्यों किया? क्योंकि जब मुझे पता चला कि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, तो मेरा दिल टूट गया. मुझे पता नहीं था कि आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं. मुझे भी नहीं पता था कि मैं तुम्हारे बारे में इतना सोचता हूँ. आई हेट इट. काश मैं आपको बता पाती कि मैं अपनी सगाई पे लेट क्यों हुई. बताओ ना, बताओ ना. अच्छा चलो, यही बता दो कि उस दिन तुम उस रिक्शे वाले के ऐसे हंस हंस के क्यों बात कर रही थी? कौन सा रिक्शा वाला? हाउ मेनी आर देयर? मैं तो रोज रिक्शा लेती हूँ. और मैं आपकी तरह अकड़ू तो हूँ नहीं जो किसी से हंस के बात भी ना करूँ. मैं अकड़ू? आहान मल्होत्रा अकड़ू है? इधर देखो, जूम करके देखो. इधर देखिए, जूम करके देखिए. मैं अकड़ू? मैं जो तुम्हारे लिए सब कर रहा है, इतनी हेल्प करता हूँ मैं तुम्हारे, ये पूरी होली पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज की, और तुम क्या करती हो जो पूरा दिन मुझसे ऐसे लड़ती हो? तुम अकड़ू नहीं हो? भगवान जाने आपने क्या पी लिया है. मैंने कुछ भी पियो, मेरे ये रिंग मुझे दीजिए, मैं सेफ रखूंगी. नहीं नहीं नहीं. अरे दीजिए ना. अरे मैं रखूंगा सेफ, मेरे को दो. ठीक है, बताइए कहाँ रखेंगे सेफ? अरे बताया तो सही, इस रिंग की सबसे सेफ जगह ये है.
आप मुझसे हेट करते हैं या चले ना जोर इश्क पे थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे और इश्क पे ये दर्द है या है दवा भाई Sorry, I didn't mean to. चुप और आके अपने भाई को उठाने में मेरी मदद करो आओ कितने हैवी हो गए हो भाई अगर इस हालत में नीचे गए ना तो अहां दी महान इस इमेज के ना पकोड़े तल जाएंगे मैंने भी एग्जैक्टली यही बोला था मतलब पकोड़े वाली बात तुम्हारा अपना ऑयली टच है बट इमेज वाली बात मैंने भी कही थी मुझे बकवास करने के बजाय भाई को मिर्ची खिलानी चाहिए ना इश्की बेटा आओ रसम पूरी करे इससे पहले सल्ला आंटी को नया तमाशा करे तुम प्लीज जाओ हाँ मैं भाई को देखता हूँ तुमसे मिलाया था मेहमान बनाया था अब बोले मालिक है मेहमान नहीं सोए अरमान जगे क्यों अपना ही दिल ठगे क्यों हर पल सितम नया जा भाई ये मिर्ची शेप की मिठाई है ये सिर्फ दिखती मिर्च जैसी है बहुत टेस्टी है अगर कार्तिक इन्हें सोने दो नशा अपने आप उतर जाएगा पर दादी को और बाकी सबको क्या कहूंगा कि भाई कहाँ है कहते ना आप काम कर रहे हैं ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं ये जैसे भी हो पर इनकी इमेज बहुत अच्छी है सब मान जाएंगे हाँ सही आइडिया ओके इश्की के गाल पे कलर भाई के हाथ पे भी सेम कलर मतलब भाई ने इश्की को कलर लगाया मतलब भाई ने होली वाले कलर को हाथ लगाया होली का चमत्कार भाई आंखो लो मिर्ची खाओ उठो मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है वेयर इज दिस गर्ल अभी आती होगी जी कहीं किसी दूसरे इंटरव्यू के लिए तो नहीं चली गई मैं अभी बुला कर लाया रुकिए मयंक ले आएगा ना मयंक इस ग्रास में गोली गिरी थी सोनू को ही मिलना चाहिए मयंक मयंक तुम्हारी सगाई का मुहूर्त हो गया जाओ जाकर अपनी फियांसे को बुला लो शादी वाले दिन टाइम पे आएगी या उस दिन भी कोई मीटिंग निकल आएगी शायद है ना गिन्नी यार सोनू यू आर टू फनी बदतमी सब क्यों ऐसे धड़क रहा है सौ बार समझाया वो नाम तीन बंदा मीन पसंद ही नहीं है वो इरिटेशन की दुकान है दुकान मेरे से सीधे वो बात तक नहीं किया आज तक कुछ अच्छा नहीं किया मेरे लिए फिर भी इसने धक धक लगा रखी है निकम्मा कहीं का ये सब मैंने प्लान किया तुम्हारे लिए एवीएम नाम तीन बंदर मीन ने इस रिंग को अपने ऐसे दिल से लगा के रखा है माहिया
रिलैक्स, सब वहम है इश्की, सब वहम है। मयंक, सगाई का टाइम हो गया। हाँ तुम बाहर चलो, सब तुम्हारी वेट कर रहे हैं। मैं डैड को लेकर आता हूँ। मैं चलती हूँ ना साथ में। नो प्लीज, तुम टाइम से पहले वहां पहुंच जाओ वरना फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। होली खेले कन्हैया, स्लीपिंग ब्यूटी मेरे भैया। भाई यार आप भी ना, मेरे पीछे क्या क्या कर दिया आपने। आई विश मैं मिर्ची लेने नहीं गया होता, सब देखता। इश्की भाई, एक एक बार और बोल दो, एक ब्लैकमेलिंग के लिए वीडियो बना लूं बस। भाई बोलो ना भाई। भाई क्या करूं, कुछ और करना पड़ेगा। मिस्टर एवीएम, मेरी सरोजनी नगर से लाई हुई सैंडल की आवाज सुनिए, मुझे देखिए, ऐसे नहीं ज़ूम करके देखिए। क्या यार क्या यार, तेरी शादी मयंक से हो रही है इश्की, मयंक से। M for Mayank, M for Mayank, M for Mayank, M for Malhotra। ये क्या हो रहा है, हर बात पे मिस्टर 3-in-1 क्यों घुसे चले आ रहे हैं। हाय रब्बा, कितना शर्मा रही है। जी एंगेजमेंट है, बहू बनने वाली है, ब्लश तो करेगी ना। इसे ब्लशिंग नहीं कहते, इसे बदतमीजी कहते हैं। जी? उसकी फिंगर देखिए। चुपचाप से सगाई कर ली है उसने। सुमन जी देख लिया, देख लिया अपने छूट का नतीजा। मयंक तू भाग के शादी कर रहा है। जी नहीं। तो ये सगाई ऑन योर ओन क्यों कर ली फिर, तेरी मम्मी का इतना भी हक नहीं बनता क्या, और हम सब गेस्ट, हम सब यहाँ सिर्फ कढ़ाई पनीर खाने आए हैं क्या। हमें भी तो तेरी सगाई देखनी थी ना बेटा। आंटी जी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तो फिर अंगूठी क्यों पहन रखी है। जरूर कोई वजह होगी। वजह है ना सुमन जी, अब आपने शादी से पहले मयंक और इश्की को सेपरेट फ्लोर देने का वादा कर दिया है ना, तब इसे लग रहा है आपकी और आपकी फैमिली की क्या जरूरत, सेपरेट फ्लोर, सेपरेट सगाई, है ना इश्की। ये नाम तीन बंदा मीन, जहाँ होता है वहाँ तो मेरी बैंड बजती है, यहाँ नहीं है तो भी रिमोट कंट्रोल से मेरी बैंड बजा रहा है। अब बता इश्की क्या हुआ। वो आंटी जी मैं ऑलरेडी एक बार रिंग खो चुकी हूँ, इसे नहीं खो सकती थी इसलिए मैंने पहन ली। सल्ला जी इसकी बातों में लॉजिक तो है, चलिए सगाई शुरू करते हैं। आइए आइए कर लो। वाओ व्हाट अ लवली पिक्चर। दादी देखो ना कितनी प्यारी फोटो है। फोटो तो अच्छी आनी ही थी, पीछे कितनी अच्छी डेकोरेशन जो की है आहान ने। लेकिन आहान है कहाँ। आहान
आहान आओ भाई का एक यूएसए क्लाइंट का ना कॉन्फ्रेंस कॉल आ गया था तो भाई वहां पर बिजी है काफी दिनों से ऑफिस नहीं गए ना अब बिकॉज ऑफ सोनू इसलिए भी कॉल पे है लड़कों का तो काम ही होता है पैसे कमाना है ना दादी लड़कों के लिए वर्क इज सो इम्पोर्टेंट ये फैमिली फंक्शंस तो सिर्फ लड़कियों के लिए ही है ना सल्ला आंटी ओ ये वैसे भी इश्की और मिंकी भाई का स्पेशल डे भाई बिजी है तो रहने देते हैं ना कौन सा भाई को इश्की को रिंग पहनानी है सगाई शुरू करें हाँ हाँ अब लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठिया पहनाएंगे मयंक बेटा पहले आप पहनाओ लो बेटा पहना सोनू वाला प्लान फेल हो गया अब वापस कोई नया प्लान बनाना होगा माता रानी प्लीज जब ये मेरा हाथ पकड़े कुछ फील करा दो जब ईवीएम ने हाथ पकड़ा था तब तो करंट ही लग गया था अब कुछ क्यों नहीं हो रहा ये बंदा आप ही क्या तो तुमसे गुस्से में था फिर भी पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों बचाया जैसे मैंने इस रिंग को प्रोटेक्ट किया है ना वैसे ही मैं तुम्हें हमेशा सेफ रखना चाहता हूं मुबारक हो कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस गाइस चलो 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 अब एंगेजमेंट फोटोज लेते हैं चलो 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 मार्क उधर है मयंक माया ये हो क्या रहा है इसी को शास्त्रों में घनघोर कंफ्यूजन कहा गया है ग्रेट न्यूज गाइस बाबा जी कल 11 बजे आने वाले हैं दो लड़कियों से मिलने अरे वाह इश्की कल जॉब से छुट्टी ले लेना एंड बी ऑन टाइम ओके हाँ जी हम लोग 10:45 बजे ही आ जाएंगे सुमन जी आपकी बहू का टेस्ट है कल जी मम्मी कल बहुओं का टेस्ट है क्या स्टूपिड आइडिया है प्लीज सोनू को इस टेस्ट में मत भेजना दादी को कुछ बोलो ना बोलने के लिए अरे सरला जी हम तो सोनू को भी भेजेंगे बाबा जी भी देख ले सोनू को हमने क्या संस्कार दिए हैं सोनू को फैमिली का नाम खराब नहीं होना चाहिए ना ऊंचा होना चाहिए दादी अब तू चुप रहना कुछ और बोलने गया ना तो फिर से तमाशा होगा चले ना जोर इश्क पे थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे और इश्क पे ये दर्द है या है दवा हे भगवान बस एक बार भाई के मुंह से इसकी बुलवा दो वन मोर टाइम हां बस एक बार रिकॉर्ड कर लो चल चिपड़ा कहीं का ऐसी हरकतें ना तू करता है मेरे भैया ने और वो उसका नाम ना होश में भी नहीं लेते हमेशा ये लड़की वो लड़की कहते अबे वही तो बात है होश में नहीं लेते बेहोशी में लेते हैं वो हिंदी सॉन्ग्स में होता है ना दिल की बात जुबां पे आ गई वही हुआ था अच्छा
व्हाट द फक तू ऐसे कैमरा ऑन क्यों क्यों बैठा है नहीं बोला यार क्या नहीं बोला कुछ नहीं भैया आप उठो मैं सो गया था हाँ ये लो आप नींबू पानी पीते कब से जब से आपने होली खेली किसी को रंग लगाया फिर ठंडाई पी मैंने कोई होली नहीं खेली Are you mad? मैंने किसी को रंग नहीं लगाया ओके मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया है मिस्टर अहान वीर मल्होत्रा ये रंग कैसे है मेरे हाथों में ये क्या हो रहा है यहाँ पे भैया आप ना ठंडाई पी के हाई होके सो गए और आप पूरा दिन सोते रहे वो तो कार्तिक ने सबसे कह दिया कि आपकी यूएस के क्लाइंट के साथ मीटिंग है तूने की ना मेरी ड्रिंक्स भाई मैं क्यों करूंगा तो फिर किसने की पता नहीं भैया क्योंकि ठंडाई तो सबने पी थी मैंने चार चार पी थी और किसी को कुछ नहीं हुआ तो फिर ये चीप हरकत की किसने मॉम आपने क्यों हाँ कहा बाबा जी को बुलाने के लिए आई मीन इस सब की जगह अगर हम दोनों कपल्स बाहर जाएं तो एक दूसरे को समझने का काफी बेटर चांस है तो सीधा कहना कि इश्की के साथ टाइम स्पेंड करना है हाँ मॉम टाइम तो स्पेंड करना है पर इश्की के साथ नहीं सोनू के साथ क्योंकि आज सोनू और मेरा हिसाब पूरा नहीं हुआ कोई भी होली बिना किसी के ड्रंक हुए ना कंप्लीट नहीं होती तो हमारी होली कंप्लीट करने के लिए थैंक यू सो मच भाई लेकिन ये घटिया हरकत की किसने मेरी जगह वो ड्रिंक किसी और ने पी होती तो कुछ भी नहीं होता ब्रेकिंग न्यूज तो अहान दी महान का ड्रंक होना था और आपको पता है जब मैं वापस आया तो मैंने क्या देखा क्या देखा यो होली पे था मामला रिस्की यहाँ पे भाई यहाँ पे इश्की बात चली थी बात बात में साथ थे दोनों हाथ हाथ में व्हाट रबिश रबिश नहीं है सच है पूरा इश्की यहाँ क्यों आई थी मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो खुद को तो याद भी नहीं कि क्या क्या किया था आपने क्या क्या किया हमने आपको क्या समझा था भाई और आप क्या निकले चुपचाप सीधे सीधे बताना मुझे क्या पता वही तो पता करना चाहता हूँ आपका नशा उतारने के लिए मैं मिर्ची लेने गया वापस आया तो मैंने आपके हाथ में और उसके गाल पे सेम कलर देखा व्हाट यस भैया बोल तो ये चिपका सही रहा है मैंने भी इश्की के गाल पे ना सेम यही कलर देखा था हाँ आर यू सीरियस सुनो एक बार ठीक से याद करके सोच पर एक बात मुझे समझ नहीं आई कि मयंक ने ऐसा क्यों किया उसने सगाई से पहले इश्की को रिंग क्यों पहनाई और वो भी वो रिंग नहीं जो इश्की को पहननी थी वो रिंग जो मयंक को पहननी थी इट्स सो कंफ्यूजिंग भाई वो रिंग तो आपके पास थी ना गॉड नोस यहाँ पे क्या क्या हुआ याद करो भाई मुझे कुछ याद नहीं आखिर मैंने किया क्या है पॉइंट तो टिक हो गया मैं कैसा फील करती हूँ ये भी पता चल जाता है ये नाम तीन बंदा मीन घड़ी की तरह टिक 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 क्यों किया जा रहा है ये लिस्ट तो मैंने मयंक के लिए बनाई थी ओह हेलो कैसी हो बेटी क्या कर रही थी मयंक के बारे में सोच रही थी आंटी जी कुछ काम था मैं सोच रही थी बेटा कि कल बाबा जी से मिलने के बाद तुम मयंक राज और सोनू चारों लंच के लिए चले जाओ ना इसी बहाने आउटिंग भी हो जाएगी और एक दूसरे के साथ टाइम भी मिल जाएगा बिना ईवीएम के मैं मयंक पे फोकस भी कर पाऊंगी जी आंटी जी ओके ठीक है बेटा डन कल सोनू से भी बात कर लूंगी ओके थैंक यू सो मच मॉम
जाना तो मुझे है लेकिन सिर्फ सोनू के लिए। वो नशेबाज बंदा है, नशे में लगा दिया, इतना क्या सोच रही है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की? कुछ इनअप्रोप्रिएट? अगर ऐसा हुआ तो मैं उस लड़की को फेस कैसे करूंगा? सोनू बता रही थी कि कल कोई बाबा जी आ रहे घर पे, मैं उस लड़की के सामने कैसे जाऊंगा? अरे चाचा जी, ये सोफा काहे हटवा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि बाबा जी को मॉडर्न चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बैठने का इंतजाम सब कुछ सिंपल होना चाहिए। हाँ तो ठीक है, पंखा, एसी, लाइट ये भी हटा देते। क्या उसके बिना ही सब हो जाएगा ना, जैसे पहले जमाने में होता था? ये क्या बोल रहे तू? ओए, तेरा नाम भोला किसे रखा है, इतनी चंट बातें करता है? बस मेरा नाम भोला है, समझना मत। तू जाकर काम कर। काम कर, कहां से लाए उसको ढूंढ के? ये बाबा जी सोनू की माँ के बारे में कुछ ना पूछ ले, अगर पूछ लिया ना तो मिट्टी पलीद हो जानी है। तो क्या हुआ माँ, अगर सोनू की माँ उसे छोड़कर चली गई? हमने सोनू की परवरिश में संस्कारों में कोई कमी नहीं छोड़ी। समाज और लोग ना लड़की वालों में कमी ढूंढ ही लेते हैं, ना भी हो ना तो पैदा कर लेते हैं, इसलिए हमें हर तरह से तैयार रहना चाहिए। राज, यार यहाँ पर बाबा जी के विजिट की वजह से पूरी फैमिली प्रेशर में है। कैसा प्रेशर? वही सेम ओल्ड लड़की की फैमिली होने का प्रेशर। डोंट वरी मेरी सोनू, मैं हूँ ना, मैं सब हैंडल कर लूंगा। थैंक यू राज। मेरा ख्याल रखने के लिए तो राज है, लेकिन इश्की का क्या होगा? हाय सोनू, अच्छा हुआ सबसे पहले तू ही मिल गई। अरे यार, वो मम्मी चाहती है कि हम दोनों कपल्स, मैं और इश्की, तू और राज, लंच पे जाए। मैं तो उनको मना नहीं कर पाया, लेकिन तू ना प्लीज उनको मना कर देना। लेकिन लंच पे किस लिए? अरे वो सब छोड़, मैं बाकी सबसे मिलकर आता हूँ, बस तू प्लीज मम्मी को हैंडल कर लेना। मैं आंटी को मना कैसे करूंगी? और अगर राज को इस लंच के बारे में पता, वो तो बम बन के फट जाएगा। हाँ जी सर, मैं इसी वीक आ जाऊंगी ब्रीफिंग के लिए। जी जी, डोंट वरी। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, इश्की इस लिस्ट को मत देख, जूम करके तो बिल्कुल भी मत देख। तू ऐसे बिहेव कर जैसे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। ए सुधा, किधर मर गए? कहाँ मर गए सुधा? किधर है? इश्की, जल्द दरवाजा बंद करके आ, वरना सारी गली को पता चल जाएगा यहाँ क्या हो रहा है। जा। तो गया हूँ, लेकिन फिर से वही सब चालू हो जाएगा। मिस्टर एवीएम, आप यहाँ क्या करने आए हो? कहूँगा, सुमन आंटी ने कहा था तुम्हें पिकअप करने के लिए, इसलिए आया। नहीं, व्हाट इफ शी आस्क्ड सुमन आंटी? कहूँगा कि मैं तुम्हें पिकअप करने आया हूँ, सो दैट तुम लेट ना हो और सरला आंटी को बहाना ना मिल जाए फिर से सीन क्रिएट करने का, वो भी बाबा जी के सामने। शाबाश आहान, सॉलिड आइडिया है। Go for it. नहीं नहीं, be cool आहान, तुझे पता है तू यहाँ क्यों है? तू उससे बात करना चाहता है इससे पहले कि वो किसी से बात करे। पता चलने दो मासी, शायद तब जाके इन्हें शर्म आ जाए। क्या बोली जो? यही कि आपको पीना है तो पीजिए, पी पी के अपना लिवर गला लाए ना, गला लीजिए, लेकिन मेरी मासी को टच मत कीजिएगा। रुक, आज तो रुक गई,
आप ठीक है? उठिए। छोड़ बोला ना, आज नहीं छोड़ूंगा इसको। नहीं छोड़ूंगा। मासा जी हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए, मासा जी हाथ छोड़िए, नहीं छोड़िए। देख लूंगा दोनों को, छोड़ूंगा नहीं। इनकी ऐसी कम तैसी बहुत हो गया सम्मान। नहीं, तू कुछ नहीं करेगी, तुझे मेरी कसम। कसम ही देनी चाहिए थी। सी पॉइंट ये नहीं है कि तू यहाँ आया क्यों है, पॉइंट ये है कि तूने कल क्या किया है, तो तुझे बिल्कुल याद भी नहीं। मैं ठीक हूँ बेटा, अपने आप कुछ ठीक नहीं होता, ठीक करना पड़ता है बेटा। गुस्से से कुछ सही नहीं होता। तो कैसे होता है? सब कुछ चुपचाप सह लेने से? बस जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ पे हाथ उठाता है ना, और जब वो वाइफ चुप रहती है, तो वो सिर्फ अपने साथ नहीं, दुनिया की हर औरत के साथ गलत करती है। ये कोई मनमुटाव नहीं है, कोई नॉर्मल झगड़ा नहीं है, ये गुंडागर्दी है और गलत है। कब तक सहोगी सब कुछ? बेटा, वो जैसे भी है मेरे पति हैं, पति है तो सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी है। आप उन्हें जेल क्यों नहीं भेज देती? कैसे भेज दूं? हमारे कल्चर में ये सब क्या होता है कल्चर? मासी, आप और मैं जो करते हैं वो होता है कल्चर। अगर हम गलत बर्दाश्त करते हैं तो जुल्म सहना कल्चर बन जाता है, अगर हम नहीं करते तो आवाज उठाना कल्चर बन जाता है। आवाज उठाइए मासी, प्लीज। अगर पुलिस के पास गई या अपना घर छोड़ के गई तो लोग तो मुझे पे इल्जाम देंगे, कहेंगे कि मैंने अपना घर तोड़ दिया। औरत को ही सहना पड़ता है इश्क़ी। पर कब तक मासी? सहने की भी तो कोई लिमिट होगी ना। इस बारे में ना हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी हमें तेरे ससुराल जाना है ना। तू ना अपना मूड मत स्पॉइल कर बेटा, मयंक के बारे में सोच। मुझे किसी के बारे में नहीं सोचने। तो सरला जी के बारे में सोच ले। मासी मजाक मत कीजिए, क्योंकि आपका ये मजाक काम नहीं आ रहा है। कौन आ गया? Forget it. अब ऐसे बिहेव कर जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही बेस्ट स्ट्रेटजी है। ये एवीएम आ जाए और मुझे देख ले, इससे पहले जुगाड़ लगाती हूँ। बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं आंटी जी, जरूरत है। कहते हैं कि एक अच्छी पत्नी में 6 गुण होने अति आवश्यक है। पहला गुण, जब वो पति को एडवाइस दे, सलाह दे, तो एक मंत्री हो, जस्ट लाइक एन एडवाइजर। दूसरा गुण, जब भोजन कराए तब माता हो। बड़ा एडियट हूं, पूरे रूम में कहीं भी बैठ सकता, लेकिन मुझे यही बैठना था। इश्की कितनी नाराज लग रही है, मैंने कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर दी क्या? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।